नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पाने से निराश अंबाती रायडू ने आखिरकार क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 3 जुलाई को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास के ऐलान के बाद से ही रायडू के फैंस चयनकर्ताओं पर जमकर भड़ास निकाल रहे। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे पूर्व क्रिकेटर्स भी बीसीसीआई के इस रवैये से नाराज हैं। गौतम गंभीर ने जहां ट्वीट कर कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि पूरे बीसीसीआई के मौजूदा चयन पैनल का करियर भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसके बावजूद भी वे अंबाती रायडू जैसी प्रतिभाओं को उचित मौका नहीं दे सके, कितनी शर्म की बात है। जबकि खिताब जीतने के लिए दिल का होना अधिक महत्वपूर्ण है। गंभीर के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी रायडू के रिटायरमेंट पर बेहद दुखी दिखे। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है, अंबाती रायडू के लिए विश्व कप से अनदेखी निश्चित तौर पर काफी पीड़ादायक रही होगी। मैं संन्यास के बाद उन्हें जीवन में शुभकामनाएं देता हूं। सहवाग के ट्वीट पर द स्किन डॉक्टर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, 3D ग्लासेस वाला ट्वीट नहीं करते तो मयंक अग्रवाल की जगह इनका नाम होता। हालांकि ये अनुचित है, पर इंडिया में आज भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पब्लिकली बोलना करियर के लिए ठीक नहीं माना जाता। रायडू, आपको शांति और खुशी मिले। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, अंबाती रायडू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर हो गए हैं। कुछ 3D ग्लासेस इतने महंगे होते हैं कि आपके करियर के लिए महंगे साबित होते हैं। धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, BCCI अंबाती रायडू के रिटायरमेंट की पुष्टि के लिए ट्वीट नहीं करेगा, क्योंकि 3D ग्लास के ट्वीट ने MSK प्रसाद और सभी चयन समिति के सदस्यों का ईगो बढ़ा दिया है, जिसमें BCCI अध्यक्ष और BCCI परिषद के सभी सदस्य भी शामिल हैं। पत्रकार निशांत चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, अंबाती रायडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, संभवतः 3D चश्मे पर किया गया ट्वीट उनके करियर पर भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर अंबाती रायडू के जिस 3D चश्मे वाले ट्वीट की बात हो रही है, वो ट्वीट रायडू ने 16 अप्रैल को किया था। इससे पहले वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया था। चयनकर्ताओं ने अंबाती रायडू की जगह ऑलराउंडर विजय शंकर को टीम में चुना था। रायडू पर विजय शंकर को तरजीह दिए जाने पर मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने शंकर को 3-डायमेंशनल प्लेयर बताया था, यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में परफेक्ट। विजय शंकर के चुने जाने पर अंबाती रायडू ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट कर कहा था कि वर्ल्ड कप देखने के लिए अभी अभी 3D ग्लासेस के नए सेट के लिए ऑर्डर दिया है। रायडू के इसी ट्वीट को उनके फैंस वर्ल्ड कप के लिए नहीं बुलाए जाने की सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। रायडू के फैंस का मानना है कि उनके तंज भरे ट्वीट से मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद समेत चयन समिति के बाकी सदस्य भी नाराज हैं। शायद इसीलिए पहले तो वर्ल्ड कप के लिए रायडू की जगह विजय शंकर को टीम में जगह दी गई, जो वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर सके और चोट के बाद वापस लौट आए। इसके बाद जब विजय शंकर की जगह स्टैंड बाय प्लेयर में से किसी एक को बुलाने की बात आई, तो टीम मैनेजमेंट ने इस बार भी रायडू को इग्नोर कर एक भी वनडे नहीं खेलने वाले मयंक अग्रवाल को सीधे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए बुला लिया। इसी के साथ रायडू के वर्ल्ड कप में खेलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, जिसके बाद 55 वनडे खेल चुके 33 साल के रायडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। Well, in the last 1.5 years, it is these 2 wristies who have won us games. But there might be a situations where you might require an additional all-rounder in the playing 11, which Jadeja brings in. So in the second part of the second part of the tournament, where we wickets might be a bit more drier. So that's where we felt that Jadeja will come in handy. So that's the reason why he's been picked in. Chairman, did the cutoff date, the Champions Trophy, the cutoff date. After that, you know, the selection may put its weight on Ambati Rayudu number 4. Yes. He played 21 matches, scored 400 runs. It was not a total failure. What went against him? Why is he? Is it the age or, you know, what were the factors went against him? Well, after that Champions Trophy, we have tried quite a few middle-order batsmen, which also includes Dinesh Karthik at that order. And we also tried Shreyas Iyer and Manish Pandey. We did give a few more chances to Rayudu. But what Vijay Shankar offers is 3 dimensions. Apart from his batting, he can bowl.
if the conditions are suitable, I mean, if the conditions are overcast, which we might encounter in England, he might bowl a bit, and he's a fantastic fielder. That's the thing that went in favor of Vijay Shankar. Primarily, does he come in as a batsman, Vijay Shankar? Yeah, he's a batsman who can bowl. So you're seeing him as a number four batsman? We are looking at him at number four, and we are also looking at, you know, we have with Dinesh Karthik in, and also Kedar Jadhav in there. So we have plenty of options at that number four right now. Same question. Yeah. You are looking at him as number four. Yes. To begin with. Well, it's not anything that went against him. It's only the thing that went in favor of Vijay Shankar. So, because he adds a bit more dimensions to that role, and with his fielding and bowling abilities, that's where he scored ahead of him. See, apart from these three specialist pacers, we also have Hardik who can bowl. So is Vijay Shankar. So in the team, see, if you look at in the team, apart from those two spinners, we also have Kedar. So this is the, I think we have this luxury of seven bowlers. So I think we've covered all the bases that way if you look at it. And I'm sure this is one of the most balanced sides that we have produced. Yes, Khalil Ahmed ka naam bhi discussion aaya, uske saath saath Saini ka naam bhi discussion aaya. So they will be in around, and if their need arises, definitely one among them will be picked next. Are there any reserve or standard players in this one? And was it the most challenging selection committee meeting for you, giving your tenure so far, or the reserve? Well, we've been planning soon after the completion of Champions Trophy for this. But let me frankly tell that in the last month or so, there were a couple of places which, you know, which have really cropped up, like Vijay Shankar. And yeah, we do have reserves. We'll let you know that. Yes, it was discussed, and I don't think that was the point. The point that was discussed is that Vijay Shankar will bat at number four, and so is Kedar Jadhav, and we also have a role for KL somewhere at the top of this. Yeah. Do we see KL as the reserve opener, or can he come at number four also in the middle order also? To begin with, he will be only a reserve opener. If need arises, it all depends upon the team management's call. Now that the squad is announced, and for the last few months you have been talking about the workload and everything. Now, how seriously will, like, what is the way forward now? Now, the 1 month is left. I think that's what the team management, along with Patrick, is looking into it. The workload management program is going on. He's constantly in touch with the physios of IPL franchises. Well, if your first question is about changes in the team, it all depends upon if somebody is injured. Otherwise, why do you, since you have announced the side, you know, we all discussed and debated and felt that this is the best possible team that can give us best possible results. So there's no point in changing unless somebody is injured. And with regard to the second point, I have already told that, you know, there's a workload management program going on. Our trainer and physios are constantly in touch with the trainer and physios of respective IPL franchises. Thank you.
considered for the field the Euro Test? No, they've already, you know, there is a program that is going on, every quarter they are doing some sort of a test, so everybody is fit and fine as far as that is concerned. Is there anyone who was not considered because he didn't? No, nothing else. Nothing.